तो राव जी कहीं यो है अबे के अवे घासीर ने गंगाराम जी पटेल साहब अबे और बुलाकी दास नाई घूमता घूमता मारवाड़ में आएगा। ए ए अड़ने पाचा आ मारवाड़ री धोरा धरती ए रेगिस्तान आ सुहानी लागे क्रोप एरी महिमा नर नारी गावे महिमा ए पर देव रमण ने आवे आवे इरी शोभा रो बगान चारू मेर वे अब जाना है जो मैं देख कर बोलिया क्या भाई बुलाकी दास एडी बात है। अरे क्या है धोरारी धरती धरती जब अंधारो पड़िया पहला पहला जार सामान लिया हो ठीक रे बे पचे सामरा आंधी आवे नहीं जना कहीं के रस्ते ये जो को डटन बटन है जावे दिक्कत कोनी रस्तो है जो को भूल जो वाला जने तो पहला कहीं के आंधिया घनी आओ तीन अभी घनी आवे आवे आजकल तो जनसंख्या बढ़ गई सरकार रोड़ा बनाई दी ए जागा जागा पहला कहीं के पगडंडी ही होती ए रास्ता एड़ा ही कच्चा साजन तो की हां कोनी लोग ऊंटे घोड़ा माती सवार आ ए हां हां अब ए जको आप रे ले उरो उनको सा ठीक है जन पहला लिया अबे अबे आप रो बुटू जार शहर में गियो है रवाना हिया अवे चारू मेर देखे तो है मारवाड़ी लोग घूमे और मोटा मोटा सापा बांधियोड़ा पगड़िया ताराला लट लियोड़ा सागे सागे है भाई क्योंकि प्राचीन टाइम है झलक ही भाई देख जड़ी आज भी प्राचीन वीडियो देख का आनंद आवे भाई भाई अवे जो को आप रे बुढ़ जा शहर मु सामान मान लियो है बा अवे जीवी शहर मायने पूरा घूम लिया ए प्रभा ने कहे के कोई अनोखी चीज नजर आई मिली को नहीं मैं तो आई सोचे के भाई कोई अड़ी अनोखी मिले हे तो गांव वाला आप है जो को जान सेठ जी ने पूछा रहा जवाब मैं जवाब नहीं देवे बा जन आप कहीं के पाचा फटाफट घर आला जाने अवे आखिर में तंग और मन में विचार करियो जे आंधी तूफान आएगो बीच में तो है जो को रस्तो भूल जावा नब्बे दिन रो बदान है काटो आपन है जो को अबे कहीं के पाचो घर चालनो जरूरी है चौक रे जट आपन रेन बसेरो है जट अरे आप रो बुटू रवाना या और बीच रमाने एक छोटो सो जंगल पड़तो अब उड़ देखे तो कहीं के राजा रा आदमी सिपाही राजा खुद बिटू भेड़ो योड़ो है अबे और देखते ही देख एक सुकुड़ो पेड़ो ओ लगुड़ो माए मोटी खोकाली भाई भाई मोटी और भी पेड़ रे माए ने आग लगाई थी भाई क्योंकि कचरो घुणो ही पड़ियो वाह नीचो आया बुरा दो लाल वायरो माँ गात्यो भी खोकाल में गाल आग लगाई भाई भाई आग लगाई और राव जी बीर माए नू चिकनी और चिल्लौनी आवाज आई मऊ जनाओ बुलाकी दास मन में विचार करियो आवाज कहीं की अर क्यों भाई बात कहीं है राजा खुद आप रहते है आदमी है सिपाही है सब है और इन मायनो आवाज आवे कोई भूत है कोई पलीत है कोई राक्षस है कोई है कुंडा की हाँ वाह जना मन में विचार करियो कि आपा है जो को चला दबे और ए जो को आवाज आनी अरे जो ए आवाज आई किन्नी और है कुणो बुझा आ भीड़ है जो को सब राजी क्यों है रहस्य क्यों है हे आवाज काटते हैं आवाज काटते भूत पलीतरी वेदन डर ना होना चाहिए आ को जानो पण ए जो को इतनी हंसे बा खिले आ राजा भी राजी यो है भाई भाई खुश तो आ जो को एक अनोखी कहानी है अरे आश्चर्य चुंबारी बात है बात आ आप जार बने पूछा नी जना इन उत्तर दीजिए कोई नहीं अभी टाइम अब जार जान आश्चर्य बारे में विचार करे भाई भाई रास्ता बेते बेते मन में सोचे मन में गड़ेर मन में भांगे भांग तोड़ करे क्या वे आखिर मायने आवाज आ की नहीं रही है पेड़ में यार आग में कोई जिंदो आदमी बाड़ियो हो कोई भूत हो कोई चुड़ैली माए अरे एर ही कहीं है बा बड़ी विचित्र एक अनोखी घटना है कहानी है शायद सेठ जी बारे में पूरी तरह बता नहीं सके अबे और नहीं बता जन आपा तो अपन बोरी बिस्तर बांध लेवा जाने और है जो आपा अपन रवाना ए जावा अने गंगाराम पटेल जो को काफी देर इंतजार कर रिया है ए बाण जो है और देख कर क्यों हाल बुला की दास आयो कोनी मोड़ो करियो अन कटे गमगो कटे पाचो रस्तो मिलियो कोनी हां अपग डांडिया बैठ जितेन तो मामी भाई आओ तो दी क्यों भाई यहां आवे कोई जाने बतूलियो आयो जी हां
बागी बड़े जमीन मत है टिके को अबे ठंडा पोर हो ठंडा पोर हो भाई भाई आवे दौड़ जोड़ी आवे है अबे आवे रास्ता रे माय ना आओ तो देखियो भाई यार मन में विचार करियो कि आई तो को हां आवे कौन आयो और ए सेठ जी देख कर बोलियो अबे ए भाई आज जो को बहुत ही देरी कर दी सामान ले रहा था लेट आयो मैं तो मन में यूं विचार करियो के कदी भाई रस्तो नहीं भटको हां आणो ही दोरो है थारिया संको है जो को मैं तो परेशान है को बैठो भाई होच करूं क्या भाई जे रस्तो भूल गो तो आगे पूरी रात है पड़ी है रोद नो भारी पड़ जाए पड़ जाए रान है अरे किन क्यों सेठ जी अबे तै तो गणो ही सोचो बा पण मैं भलो कदी रस्तो भूलूं हां जानू अर मैं जो को घाट घाट रो पानी पीड़ूं जगह जगह रो एन आप रात घूमियो डूं हे कम नहीं हूं अब है जो को मैं घणो होशियार है को हे फिर तो लड़को है जो राव जी जित्तो घूमे जित्तो फिरे नहीं बारे में है बिल्कुल बेतो है जो को होशियार है अबे और जित्तो घर में रहवे नहीं अबे बेतो ही डपोड़वे बड़े तो बेटो तो कहे कि जित्तो बारे घूमे भी तो ठीक है चौको रे हां क्योंकि होशियार है जा समझदार है जा भाई भाई और दुनियादारी रे बारे में पतो चले जना देख रखियो सेठ जी मैं तो एक कहीं के कोई अनोखी घटना देखी जना कहीं के बूटो थोड़ो टाइम लागो देखता और देखता काफी समय गयो प्रो टाइम की जना है जो बाबू लाल किदास सी बात सुन रहा भावे और पटेल साहब मुस्कुराउन लागा बा देख रखियो रे बेटी रे बाप तू तो घटना देखन लागो वही काम थारो मने है जो को भाई घनी भूख लागोड़ी है अर भूखे पेट भजन नहीं होई गोपाला ले लो ये थारी कंटी वाला माला कह भाई भूख में भोजन बिना तो धंठा ये तीन घड़ी दोरो ने पहली पेट पूजा भूख लागोड़ी वे आदमी ने भावे तो बचे अज को की नहीं सुझे छेड़ दी बेकार तो भाई तू यहाँ कर बढ़िया भली बात ही अच्छो भोजन बना बना तगड़ो मारवाड़ में मैं मारो जीम लुप्तान जितने कोई शांति आवे हे। बीरे बाद में थारी जो अनोखी बात है नी अजू देखा बीरो जवाब है जो को बाद में मैं दे ही अडेल सावरी बात सुन अरे बुला की दास पानी आनी भरन लायो है भाई भाई आ बढ़िया बर्तन अर्तन धो चुल्लो तैयार कर शाप करियो है अरे आप रे बढ़िया साग सब्जी बना रोटियां बनाए भाई भाई तगड़ी अरे आप रे बढ़िया अडेल साहब ने बिचावनो कर बढ़िया जिमाया है खानो पुरसियो अरे अजो गवाने जिमार आप खुद ही जिम आयुरा भाई भाई और बढ़िया बिस्तर इस्तर लगाओ को भर ला सामने रखियो रेडी रेट और अड़ने गंगाराम जी आप रे बढ़िया आराम को प्यों लगा है भाई भाई अड़नो आप रे पूरो काम निपटाई और आप रे आर बाने पूछियो हे विराज जी हम है जहाँ देख रखियो भाई बोल काई अनोखी बात देखी भाई जानो है जो बा रास्ता रे मायने जित्ती कितनी भी बात देखी नी हाँ बीती जगी हाँ क्या भाई पेड़ रे मायने आग लगाई सुकोड़ो पेड़ो भाई भाई बेर मायनु चीक ने चिल्लाओ नी रो नी बात आई हे मऊ मायू मोटी मोटी आवाज आई बा बुरी तरह डाडियो हो जोरू जोरू भाई पण पब्लिक है जो पूरी कहीं का हस्ती हे रोवे जो बा जना देख इनके वे जिंदा आदमी ने बाल इतना तो रोई अबे ए देख इनके जिंदा आदमी ने बालियो हे दी के हो कोनी बा एन मते जान बाप ने रोन पेट में बढ़ियो खो काल में चलो वो तो बढ़ गो पण राजा ने तो सोचनी चाहिए हां जीव ने मारे हां भाई जिंदा ने बाले भाई भाई जहाँ देख क्यों का पूरी कहानी सुनी नहीं तू पतो पड़ी जना जन ठा पड़ जाए भाई किन्नी गलती है किन्नी कहीं है अरे जना देख क्यों सुनाओ आप हाँ जना क्यों के नगर रे मायने मोहन और सो नावरा दो मित्र है सक्का दोनों है जो आप रो अलग अलग व्यापार करता करे तो मोहन तो है जो को ईमानदार आदमी हो अर बीरा नौकर चाकरी ईमानदार हाँ और श्यामी भगत हा भाई भाई बढ़िया में हाँ कदी है जो को चोरी जारी करी को नहीं करी नहीं अर काम काम आप रो राम राम और मन लगा और काम करता तो ऐ जो को मौन जी है नहीं अबे और दिल खोलन बाने पगार देता देवता ताकि भाई आप रे परिवार पालन पोषण है भी अच्छी तरीके में करे सर चाले और कोई चीज भी आनी कमी नहीं रहे भाई क्योंकि बे कमो पूत आज को बे नौकर चाकरिया हाँ ऐ जो को कहीं के व्यापार आप रो 1,000 शुरू करियो तो हो बट्टू और 1 साल रे मायने 50,000 रुपया रो फायदो कर लियो
अरने जगो वो कहीं के सोन होनी अबे बेरी कहीं के आदत थोड़ी क बुरी लाचार एर बेईमान आदमी कपूत हो भाई भाई सोन लाल वो जगो कहीं के हर चीज रमाए ने कहीं के बेईमानी कर दो भाई भाई ए लखपति बनना जल्दी वो सपना देख देख के रान एन किन की खोट मिलाओ तो रे तू भाई तो बेईमानी है जगो कहीं के घना दिन चले को थोड़ा ही इन्हें कहीं वो कहीं के 50,000 व्यापार शुरू करियो भाई और एक साल रे मायने 40,000 घाटो लागो लारे रुपया बची हम तो 10,000 बा कम अब माते अलन देवे घर खर्चो अलावे एक पाचो व्यापार चला दोरो एको बा हालत है जो को धीरे धीरे खराब हो लागी ए बेहतर जानो एक दिन सोन मन में विचार करियो भाई क्या पा है जो को चला मौन कने बा भी कने अब जो को जान कियो भाई मारे जो को धन सब घाटे में गी प्रो गयो एर भी घाटा रे कारण दुकान व्यापार है जो को सब बंद कर दियो कर दिया अब ते बताओ अब एक जीवन निर्वाह की कर करा हाँ चला किया है के मारा था जो को हालत है जो की पतली है की उगी जाना वो सोन री बात सुन रे मौन क्यों लगो बा कह भाई तू है जो को मारो परम मित्र है हे अगर व्यापार माने धन नष्ट हो वाह घाटो लागो तो कोई बात को नहीं अरे एक काम करिया हमें धन तो मारखन ने घणो ही है हे अठा जो को कहीं के नॉर्मल व्यापार है वाह थोड़ो रोटी खर्चा आलो काम निकल सके जुगाड़ वैसे चले अगर आपने ज्यादा धन कमावनो है हमें तो आप जो को दो ही मिल आला चाला परदेश बारे और परदेश में चोको धंधो करा वाह जो भी मुनाफो वे ही नहीं हमें फिर आप आदो आद कर लेवा आधा थारा आधा मारा भाई जाना आवे ओ सोन मन में राजी हो उयो क्यों भाई आपन तो रिपियो लागे इन कोई टक्को वाह अनुभव ही नहीं गणो है तो अनुभव आपा नहीं गणो है बराबर रिपिया लगावे ओ ओ खर्चो तो चलो भाई परदेश वाह और आप रे भी मौन मित्र ने धन्यवाद दियो है दयो और देख क्यों भाई मित्र हो तो थार जड़ो हेवे बाकी सब दुनिया में बेकार है ए काम रखो नहीं और मैं लाला जलम में कोई अच्छा पुण्य करिया हवे जना मोहन जी थान जड़ो है जो को मने मित्र मिलियो मिलियो अवे जो को आपा परदेश चाला और खूब मन लगा धन कमावा मेहनत करा हवे और पाचा आवाज आदो आद बंट कर लेवा अवे सोवन और मोहन दो आपरे बढ़िया मोर दे भाई भाई ए आपरा रवाना हे गया अवे जो को गया आपरा परदेश में बढ़िया व्यापार करियो करियो और चौकी रकम लगे जिन व्यापार है जो को घणो ही चालियो अबे दिन दुणो रात चौगुणो चौगुणो और अन्य परदेश में जार बहुत ही मेहनत करी अबे और मन लगान काम करियो भाई भाई दन अबे जो को दोनों ने कहीं के फायदो ही फायदो है ओवे और जीव है जो को दिन बीते नहीं अरे जीव है जो को मुना पो डबल है ओवे आ ये करता करता इस सोन रे मन में कहीं के कुटले ही वापर गई हाँ मन रे मावे क्या नहीं भाई कुतारी पहुंचने ने 6 महीना भोंगले में रखे नहीं अवे तो ये बात टेडी रे वे बार काट दें और जक्का आदमी रे मन में खोट वे आदत पड़ जावे नहीं अबे बा आदत कटी छुटे को नहीं 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 तो कह नहीं 12 कोसा बोली पलटे तेरे वर्षा त्रिया त्रिया वन पल पलटे पाका तो लखन पलटे लाख लाख पलटे जड़ा आदमी रा लखन वे नहीं अबे वो है जो आप लखन कहीं के कर बताई भाई भाई अब वो है जो कहीं के ई मोह ने मारने की कोशिश करे करे और मौको देखे के भाई कद अपने मौको आवे मिले और ई मोहन दोस्त ने मारूरो हवे और जय हीरो पूरो धन आप लेला नहीं अरे तो अपनी जिंदगी में तो निटे को नहीं फायदो यो नपो यो पूरो 2 लाख को हो तो 2 लाख रुपया ही घना है तभी टेम भाई कम नहीं आ पानी रा मोहन राजा को नौकर नहीं हाँ बेर आओ जी श्यामी भगत हा बोला आदमी हमें बे जो को कहीं के माने भनक पड़ गई अरे अरे जानो आने लोभ लालच घणो ही दियो है दे दियो यार इया घणी दिखावटी बाता करी है अबे पण ए जो को कहीं क्यों भाई ओ तो आदमी कपटी है हे एन आपा अपने स्वामी रे खिलाफ एड़ी योजना रचा कोई नहीं अब मोहन रे कने जाओ तो नहीं सोवन अबे जना कहीं के भोली वाला बाता करतो करता अर मन रे माय ने कपट री बाय कैंची लियोड़ी राख तो सागीच मन रे माय ने सोचतो के कणा मोको दे मिले आ जना अवे जार मोहन आला जो को आदमी नहीं नौकर ए ए ए
जान दे किन कियो कि आप तो बहुत ही सीधा आदमी ईमानदार एन आप है जो को इरी चाला समझो को नी हाँ ज्ञान और थाने जो को दो सोने नी हवे इरा विचार इत्ता गंदा इत्ता माड़ा है खराब है ओ है जो को कहें कि एक मौको देखे भाई आप रो एन जगदिन मौको मिल ली नी हवे बी दिन है जो को ओ मामलो फिट कर दे करे जड़ो है हैं क्यों है जो को अपन आते धोखो करी हवे अरे राव जी ए नौकर चाकर है जो को आने जो को सूचना पहला दे दी हवे क्या नहीं क्या भाई समझदार ने तो इशारो ही कापी है हवे कापी अपन कोई कह दे कि भाई फलानो आदमी है जो धराते धोखो करी हवे अपा कहे कि भाई आदमी हमेशा हावचेत रह जा हे अगर हाँ काना बाद गालिया बाद में आदमी जो को हावचेत नहीं रहे नहीं हवे वो पता आदमी यहाँ कर मां मूर्ख हे बेकार अपन ने क्या होता आप धोखो खाईला हाँ डोटो करता जना तो पता अपनी गलती है बिल्कुल अगला आदमी तो गलती है कौन ना ओ मन में विचार करियो कि भाई हबा हूं तो वाकई भोई हो अरे अपने कई दोस्त है अपन ठा है कि भाई दोस्त कहीं लखना रहा है लोपर है होशियार है समझदार है हाँ पत्तो पड़ी है अब कि मैं आवे जड़ा है बा ओ मन में विचार करियो कि बेटी लुगई टाव रहा हूं चेटी पड़ जाऊं धन तो जाए जो जाए हवे और दुष्ट आदमी कपटी आदमी रो कहीं भरोसो सागो आप इन मत भरोसो करियो आप तो दौड़ो दौड़ो दूध जानियो ओ है जो को कहीं के अंत लोभी आदमी भाई भाई है जो को लोभ लालच करे बिल्कुल लोभी आदमी तो की भी कांड कर सके हे लोभ रवश हाँ गम हा बापा ने भया नहीं को बक्से नहीं हाँ लोभीडो हाँ जको आदमी बेईमान वे नहीं हवे कपटी आदमी वे धोखेबाज हे सुधरे कोनी जनो मोहन विचार करियो यहाँ हवे क्यों टेम तबे घरे आलनो चोको है बढ़िया रे अबे आप रे घरे भी रिया नहीं हमें जितनी कितनी भी रुपया नहीं 2 लाख 2.5 लाख अरे राउस मैं 2 लाख रुपया है जो को बेटो ओ सोन आप रखन ले लिया एर क्यों मित्र के कोनी गांव अबार कहीं जल्दी बाजी है हाँ एर पची बंट कर लेवा जना अबे क्या वे तो कहीं क्या वे बा जनो क्यों के बेटी कर ले गटे करो चाहे गांव में करो आराम बैठ घर ही कर ले हम कर लेवा हां आराम हिसाब किताब कर बा ए जो बुड्ढू के उरार आप रो गांव आएगा हमे अबे गांव आया जना कहीं के पहला आई कोई मौन रो घर अरे जन क्यों रे ले सोन है जो को आज अपने रात घर ही रखा हां के वाइडा रात रुक रात तो अब रुका कोनी सुबह आज ही घर जो फंड कर ले करा अवे जो आप वो विश्वास कर लियो हाँ विश्वास ही हो और अवे सुबह घरे गियो अबे और देख इन क्यों रे बेटी रा बाप यूं कहीं राम री मान लाता हूँ मारे मारे और पया आज मैं तो राते 1 लाख रुपये दे रही हूँ पकड़ाया और मैं मारा बंटरेज पया लाया धारा में क्या ने ले रहा हूँ सागे बोझ और कहने मैं भाई रिश्क ले मारे कहीं करनो भाई पर रकम हाँ काम ही नहीं आवे ओ तो सोन तो राव जी पूरो नटको भाई भाई सोन लाल अवे मोहन करे तो ही कहीं करे के करे अब उठे जो को काशी माता पाड़ी हैगी हमें और यहाँ कर उरार गांव रा पंच पंचायत बुलाई ली हाय अवे गांव री पंचायत बुलाई है हमें तो राव जी पंचायत ही जो कोई सबूत मांगे बिल्कुल क्यों भाई माँ जो को तो विदेश गया आते प्रदेश में नौकरी नहीं धंधो करियो बारे और पाचा हो तो भाई मैं आने धंधो रुपया लाख हम दे दिया लाख मैं लिए लिया अरे जो अबे नटे तो भी रो तो मारकन को इलाज है नहीं तो सोने जो कहीं के बोली रे माय नहीं होशियार फारवेट जो को आदमी लोप पर लपंगो है अबे वो है जो कहीं के बोली में कि नहीं काट देखो देवे को नहीं अब पंच नहीं था ही के वो है जो को है तो बेईमान अबे पर अपन के ने अबे सबूत ही को नहीं अरे अब बिना सबूत ये आदमी ने क्या गुनेगार ठहरावान क्या रिपिया धीरावा जना दे कर क्यों भाई मोहन अब भाई सबूत बिना तो फैसलो क्या करा हेवे किया जे फैसलो सुना तो यो माने को मारे जना दे कर क्यों भाई ठीक है थेनो फैसलो नहीं वे हमें तो कोई बात को नहीं मैं जो को राजा साहब कने जाऊं फरियाद करूं और राजा साहब कने कई अकलबंद आदमी है हे बेटा है अर बे जो को फैसलो कर देसी अयो है जो आप रे राजा साहब कने जा और फरियाद करिए भाई भाई मोहनलाल अड़नु सोन लाल गयो निपटा निपटी करने ले लोटो बारे घूमने अब उठे गयो जन उठे कहीं के एक पेड़ो मोटो कोई सुकोड़ो भा अर बी पेड़ रे माने कहीं मोटी माई खोका दी ए
ही। ओ मन में विचार करियो जे अपना आला भाई जी ने ला अबे और इको काल में बिटाई था हे नी तू बुड्ढा और पचे जगो कहीं के आपा कह दे भाई पेड़ आगे में पया गिनिया गिनिया अरे मारी गवाई मैं कहीं देऊं सुकोड़ो पेड़ मुंड बोल दे दे कह दे हां तो मतलब मैं ईमानदार हूं मारी तो मतलब पेटा गांव ही देवे देवे और राजा है जो को पूछ जना माए भाई जी बोल जाए चढ़ी फट एन के भाई दिया अरे ओ पुगो जो को इंटा है के राजा रो बुलाओ तो उनाड़ो ही है हाई ओ घरे जा तो आपरे भाई जी ने कह दियो पहली कहते हैं जावरा पेड़ है नहीं अपन बारे हाँ खोखो को अरे मायने जार पेड़ जाओ खोकाल में खोकाल भाई अबे भाई जी ये जो को जार भी खोकाल में बैठ गए खोकाल ही मोटी मोटी खोकाल भाई अरे गलियोड़ा हाड़का भाई भाई अरे अड़ू जा राजा ने ओ मोहन फरियाद करी को राजा साहब न्याय करो अड़गो अरे मारे जो को 1,00,000 रुपया सोन दिया कोनी ले लिया पूरा पूरा हड़प लिया अब बिन बुले जन देख रही क्यों सांड कने कोई गवाह है हाँ क्यों सा मार कने कोई गवाह को नहीं धना राजा देख इन क्यों सोन भाई धार कने भी गवाह आनी चाहिए हाँ बिल्कुल क्या तू रुपया दिया तो भाई किन देखती है क्या दिया दिया धार कने भी कोई गवाह है हाँ और क्यों राजा साहब और तो कोई गवाह को नहीं और एक सुकोड़ो जंगल में पेड़ है अपने गाँव बारे लागोड़ो भी पेड़ आगे दिया और वो पेड़ है जो गवाही दे दी हे गांव री पेड़ आ बात सुने तो एक राजा ने भी अचंभ हुई हो एन जिती कीती भी सभा है नी जिकर सब ने बाने सभा ने भी अचंभ हुई बिल्कुल ही हो जना दे कर क्यों भाई चलो जना केड़ी कहीं गवाही देवे देवे अवे नगरवासी आदमी हमें और राजा रा सिपाही और राजा अरे एवड़ा अनोखा न्याय वे नी वाह जना कहीं के पब्लिक घनी पीड़ी हे गांव गेर थई आलो मैं आला बानी ले लो आनी ले लो देखा देखा सुना तो पहला कहीं के और कोई मनोरंजन का साधन हा को ए हा गांव में पाड़े कोई लड़ लेता है थोड़ो हाको है जातो नहीं अबे आ दो गांव भेड़ो है जातो ए तो एर बचे नहीं बे कुटिस्ता नहीं लड़ता नहीं अरे आ मन में सोचता ही भरोसे ही रहा किया हाँ हाँ पहला लड़ाई झगड़ा ही घना है उता भाई भाई अबे जो आजकल तो नैना टाबरी फोन लेर बैठ जा बारी निकले कोनी भाई कौन तो लड़े कौन झगड़े टाइम है कोनी नेट खत्म करना ही वाह 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 एंड आजकल रो युवा है जो सुबह उठे वाह उठता है जो पहला 2 GB खत्म करे भाई बेचर तक खत्म नहीं बेचर तक आराम मिले कोई नहीं बचे रहेगा कंपनी वाला होशियार भी रिपेयर रिचार्ज करो 1 GB और आ जावे एक्स्ट्रा अपन ने रिपेयर करो आ जावे और खड़ देनी देना बाने बड़े रिचार्ज कर ले करे देना पहला दो दुनिया है जो कोई मनोरंजन का साधन है अबे ए देख इनको हेलो टाइम पास हो जी की चोट हां ए आपरे गिया अगले अबे देना जाय रो सोन क्यों भाई पेड़ अबे और तो कोई गवाह हो कोनी हमें और मैं आज को कहीं थारे सामने आने पिस्ता दिया वाह और तू है जो कहीं के मारी गवाही देते देवो जान दे कर क्यों हाँ दिया मैं खुद दे क्या हूँ 1,00,000 रुपये गिनिया दे रोकड़ अभी डोगरा वाली आवाज ही नहीं बोली वो पहचान ली हाँ गांव में दोस्त रो बाप अबे बेला रियोड़ा बचपन खेलियो अबे अरबानी आवाज नहीं पहचान चाहिए ना किन पहचान भाई भाई बिल्कुल सही चलो मन में विचार करियो रे बेटो डोकरो है मैं बैठो ओ पुगो जो आप रे ला जुरो कचरो भाई भाई पड़ियो बार घणो ही अर पेड़ रे माय ने गांठ ठोकी आग वाह आग लगाई इन के माय डोगरा लागी लपटा ए हे एन डोगरो डाडियो चित चिल्लायो रे मरू रे मरू रे बार काट बड़ू ओई मावड़ी जोर उबो बड़ा करिया वाह तो बुला की दास जी बा जको आवाज सुनी नी हवे बेबी डोकरा रही आवाज एन थोड़ी दूर बड़े रुकिया कोनी अरे एन जे रुकता तो अगली हकीकत है क्यों देख देता पण थाने काई के लेट है तो जना थे आती बात चुंबारी होची हो और देख के दौड़े दौड़े मारकन आई गया आ जना है जको काई के बेईमानी रो जको फल है नी अबे वो हमेशा बुरुई वे बालष्ट में सांच ने कदी आंच कोनी अबे और आखिर में तो कहीं के न्याय है अन्याय है जो को कितो भी कर लो आदमी चले कोनी अरे और न्याय है जो कोई हमेशा पा क्या करे अबे और जको आदमी सही वे ही नहीं अरे रावशा जना है जो को बीरी हमेशा जीत वे ही एवे हो बली मोड़ी हो बली भेगी आखिरी में हाँ सत्य में जेते बाय
और अभी अबुला की दास ने संतुष्टि मिली है भाई भाई। और कहानी सुनना बहुत ही अच्छो आनंद आयो है और बाने आपरे सेठ जी ने मनी मन धन्यवाद दियो है भाई। जुलम तो अपन सफल बनाई दियो ए चौकी चौकी अनोखी घटना देखा कहानियां सुना और सेठ जी चौकी सामरा कहानियां सुनावे भाई। चौको जिमा चौका घुमा फिरा भाई देखा और चौकी पगार देवे देवे। तो राव जी कहीं हुआ है? अबे के अबे गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नहीं है जो को मेहसाणा जावे गुजरात रे मायने डिस्सा मेहसाणा भाई भाई गुजरात माउंट आबू अड़ने चारों मेर घूमा हरियाली अब उठे गया जने कहीं के अड़नु कहीं के शाम पड़ गई शाम पड़ गई मन में विचार करियो के भाई शहर है जो को कल ही घूमा अबे आज जो को दिन बताने को गो एक संत महात्मा रो को एक आश्रम हो बनी वड़ो अर जा और सेठ जी महात्मा जी ने कियो है भाई क्यों भाई मानी अटे रहनो है ठहरनो और परदेसी आदमी बेता और जयपुर आया भाई भाई जना जो देख महात्मा जी क्यों भाई यहाँ के ही संत महात्मा आवे जो गट्टी रहे ठहरे क्योंकि और कोई नेड़ नेड़ी कोई सराय कोई है कोई नहीं रहने वास्ते बिल्कुल। तो आप है जो गट्टी रहे वो बिराजो आप है जो बड़े संतारे आश्रम में आपने डेरा जमाई दिया है भाई। और एक बार आप रो सामान रख लियो अबे और नहीं कई माए संत बेटा कई वैष्णव बेटा अबे है कोई मोटा मोटा चिमटा बजावे कोई धूनी जमायोड़ी कोई आसन लगायोड़ा माला फेरे और आपरे मोटोड़ी मिणियारी माला फेरे भाई भाई राम रो राम और नु है जो आपरे सेठ जी कार्ड 5-25 रुपया भाई और बुला की दास ने कियो भाई जा तू है जो कहीं सामान लिया अपना लिया। तो आज को कहानी है जो बहुत ही अच्छी ज्ञान री कहानी भाई भाई राव साहब के जको आदमी ज्यादा ढोंग दिखावे नहीं अबे जन देख लो कि इस कोई बेईमान ढोंगी है हाँ ज्यादा दिखावो करे नहीं हदू ज्यादा जन जाको आदमी हदू ज्यादा दिखावो करे भाई जना समझ लेना को धोखो है हे मन में जना ये उपलक्ष में कहानी है भाई होने ही जाने अबे ये जो को आपरे रुपया ले रो सामान ले जल्दी पाचो आवे है अबे क्योंकि भाई मार्केट बंद है जा ये अंधारो पड़ जाए टाइम है जा फटाफट जावा अरे और फटाफट अपन सामान लिया लावा तो दुकान बंद है बाद में अपन कोई सामान दे देवे कौन यार जय दुकान बंद है तो बस सामरा भूखा ही मरनो हे उतारनो पड़ी भूखी ने बच्चे नींद बेटी दोरी आवे आवे क्यों सेठ जी जो बुलाका नारा करी भाई भाई कई हाँ जनो आपरे फटाफट रुपया ले बाजार में गियो है खाता खाता एन जो को भी आ सकता रो सामान हो ओ मंगवे जो को और वो आप रो पाचो ले रो ए रवाना और जिमी राव जी पाचो रवाना वे तो एक एडो आश्चर्य देखियो भाई भाई एक बहुत बड़ो अच्छो जुलूस निकल रियो है ए, ए, ए। जनो लोगा ने पूछियो के भाई ओ किन्नो कहीं जुलूस है निकले हाँ जना देख क्यों गए है जो को राजा रा है जो को गुरु है ए, ए। और राज गुरु रिया ने कहीं के पदवी है हे मिल्योड़ी और ए आपरे कहीं के महीना हूँ हफ्ता हूँ राजा साहब मिलने आवे पता रे मेल रे मायन आवे भाई भाई गुरु आप इंच आवे जन आवे हाँ पता रे कोई क्यों नो नो काम को नहीं बिना ही आवे राजा बुलावे तो जज किया तो नहीं आवे नहीं पता रे अरे आवे जन आप रे शान और सुख तो भाई बिने साहब और रूप और रंग भाई भाई गुरु साहब एक बार आवे जन हजारों रो खर्चो वे जन है जो गए कहीं गाजा बाजा रे साथ आवे अम्मा ओ दे कर क्यों जन राजगुरु तो भाई बहुत ही अच्छा आदमी पुगोड़ा पुरुष पुगोड़ा पुरुष है जन राजा इतनी मतलब इज्जत करे खर्चो करे और इतो आने रिव्यू लगावे आगे जन क्यों भाई अपन ही दर्शन करना चाहिए एड़ा तो एड़ा राजगुरु का दर्शन करना भी दुर्लभ है थोड़ा ठहर जावा और अपना दिन भाग है जन आपा ही नगर में आया आया संभाल लो ने अरे जन भाई आप रो राजगुरु का दर्शन करने गया है तो आगे जान दे के अलौकिक वस्त्र पहरा है अब जको राजा महाराज एड़ा बहुमूल्य वस्त्र नहीं पहड़े नी जेड़ा जेड़ा बाने राजगुरु रे एड़ा कपड़ा पहर अगर राजगुरु री सवारी जीवी आगे आई है निकली और अड़नु कहीं के एक आदमी जको कोई राजा रो नौकर हो अबे जी थानेदार एसपी पुलिस कह दो हाँ और भी रहते आज चार सैनिक हो रहते शागे शागे वो आओ दे क्यों के इस दुष्ट को पकड़ दो पकड़ो
अब ये जो चारों सिपाही आया है और भी राजगुरु रे देखता ही देखता हाथा में हथकड़िया डाल दी फटाफट। ओ मन में विचार करिए ओ कौन आदमी है अबे। ओ राजा साहब रा राजगुरु बाने वो आदेश दियो अबे। और देखते ही देखता राजगुरु हाथा में हथकड़ी डाल फटाफट। अब ये टाइम राजगुरु हाथा में हथकड़ी डाली नी जना भी जुलूस रे मायने कहे के हलचल मच गई। और देख रे बेटी रा बाप थारी कोई मौत आएगी घोड़े छठी जगो गुरु जी रे हाथा रे मायने तो हथकड़ी डाली है फट। और राजा साहब ने ठा पड़ी नी जना थाने फांसी रो हुक्म दे दे बिल्कुल। और देख रखियो बा मारी मर्जी देख इनके ठीक है मैं राजा साहब ने जार इतला देवा अब कई है जो बेविरोध करे कई जगह जिंदाबाद रा नारा लगावे भीड़ तो बचे थाने पूछो क्यों पूछो उमड़ की हल्ली अंधविश्वास एक ऐसी चीज है बिल्कुल बाने की भी नजर आवे कोई नहीं। अब अड़नु है जो वे गांव रा जो भी जुलूस मु आदमी चार पांच दौड़ उड़ा गया दड़बड़ दड़बड़ एर जान राजा साहब ने क्यों राजा साहब अवे अपने शहर में अनोनी घटना हैगी इता जको पूजनीय राजगुरु है आपरा जगरे माता थे हजारों लाखों रुपया खर्च करो आवे जाना है बिने है जगह कोई थाने ही मेल मूड सिपाही आया है अवे एर वे राजगुरु ने पकड़ लिया। राजगुरु तो आज तक जिंदगी में कोई एडो काम नहीं करियो जगो है जगो कोई बाण माते अंगुली उठा सके अवे या बाण चरित्र माते कोई मतलब शक कर सके करे देख इनकी बात तो सही है सही में है तो जो ठीक है मैं बुढ़े चालू पतो करा। आए राजा साहब ये जो भी जगह मत आया वो है जो मैंने पकड़ राजभवन में ले जाओ तो बट्टी तो राजा हाँ मिले आप रो रत्र आएगा पधारगा। अरे राजा है जो आप रथ मुँह नीचा उतरो रहा भाई और आयुरा और राजगुरु ने प्रणाम करिया करिया दी धोक। अरे राजगुरु रा प्रणाम करिया स्वीकार तो आगे देखे तो चार सिपाही राजगुरु ने पकड़ोड़ा है बेड़िया हाथा रे माय ने हथकड़ी डाली उड़ी है लागोड़ी पर राजा है जो मान चार सिपाही आते जो आदमी हो नी अवे बिने देख उरा हम और नी कोई हाँ की नी कोई ना की भी भाई भाई राजा राजा भी वहां आता तो पाचा भी रहेगा पर राजगुरु ने जो को नी तो हथकड़िया बारे कहने ऑर्डर दियो भाई और नी बाने चार आदमी ने आई कोनी की ओके भाई ते क्यों पकड़ हथकड़िया क्यों वाली और भाई मारे गुरु है और राजगुरु है बिल्कुल है और थे आने भाई मुक्त कर दो या छोड़ दो छोड़ दो। अब आ बात है जो को भूला की दास देखी अनोखी ओ मन में विचार करियो रे वो कौन तो आदमी है अबे अरे कौन सिपाही है अबे ओ राजा है देश रो अटको ओ राजा ने जो को छोड़ा को से क्यों नहीं हाँ गुरु ने और इतनी इज्जत इतनी मान सम्मान इतो ऊंचो पद हे हे अर राजा जी को खुद प्रणाम भले नारो करियो हे यू आन हाँ यू हाँ मैं आ बात है जो कोई दिलो दिमाग बेटी सेठ भी को ये पचगी और वे कहीं भी अपने को वे नहीं एडी कोई अनोखी घटना वे बिल्कुल जब तक आपा भी रलार लोग कारण पूरो नहीं जाना पत्तो नहीं वे सही में तो अपनी बेटी दिमाग रमाए नेडी बात है जी फिट जा आवे आयरो और देख कर क्यों सेठ आज तो अभी राम राम मान ही लो मान लो एन मारो जो अबे घर जाओ पक्को है जीव लाग गए घर हाँ जनस पटेल साहब देख बोलिया भाई क्यों वो एड़ी बात है अवे तू है जो को आज कोई न कोई शहर में नयो कोई अजूबो देखियो हाँ थारे ही काम है पर पहले है जो को पहले खानाली व्यवस्था प्रबंध कर दे हाँ बड़ा खानो और सोती टाइम थारी जो भी समस्या है नी हाँ देखा और जो भी बात है जी की मैं बताई दे हल करा और तू जो भी प्रश्न पूछ नी अब बीरो है जो को मैं जवाब दे देवा अवे बुला की दास है जो का आपरे जाय रो कुआं मो पानी आनी सिंचर लयो है भाई भाई छान और बढ़िया बर्तन अर्तन धो भाई भाई साफ करिया और मिल दूल बढ़िया और आप रो खानो बनायो भाई भाई खाना अवे खानो बनायो रो सेठ जी बढ़िया बिस्तर इस्तर लगा भाई भाई चादर और हुको भर रख दियो है अवे खानो आनो कान सेठ जी हुको पियो है भाई भाई डुड़का अरने आप रो पूरो काम का निपटायो रो अबे और सेठ जी के नाम रो पग दबनाई गया जना सेठ जी देख बोलिया बोल भाई अबे अबे आज गणो हूं तो थाकोड़ो हां काट तो क्यों का आज हैंग दिन सफर करियो हां पण मने लागे कि वे जर तक तारी बात रो निवारण नहीं करू हां जर हुआ कोनी जर तक तू मने नींद लेऊं देनी बिल्कुल मैं और थने नींद आवे नी हां पड़ियो पड़ियो ना हैंग रात कर खंकारा भाई
तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अबे यार जल्दी जल्दी बता, अरे कि आज है जो को तू बाजार में कहीं देखियो ए अनोखो। अब वो अजन देख रखियो सा बाजार मायने जुलूस निकलियो ए बटवारी। इतना मान आदमी राजा रा गुरु राज गुरु कई बेड़ा या यार इतनी मतलब शान और शौकत है जो को जुलूस जाओ तो ए ए तगड़ो। और जकने राजा प्रणाम करे तो बाने वे चार बंदा कौन आज को गिरफ्तार करिए ए सिपाही। अरे भी पांचवा आदमी रे के होना कहना सु। चलो कोई बात नहीं, गिरफ्तार कर तो लिया। अबे भूल है गी या गलती है गी ला। अबे पर राजा खुद बुट आयो छुटाया वो नहीं मानो प्रणाम करियो। अबे और माने की हारी ना इनी की भी की नहीं कयो यार सीधा राजभवन में लेगा पकड़िया पकड़ी। तो बताओ वो मामूली आदमी हो अबे वो कौन हो अबे और राजगुरु ने क्यों गिरफ्तार करी कराया यार पूरी पब्लिक जो देखती रही देखती रहेगी बाने घणो विरोध करियो घणो हल्ला करी घणी जजकारा बोली पण बे आज क्यों नेड़ा आएगा नहीं। हाँ ठीक नहीं रहला तो थानी गिरफ्तार कर लू ना थानी खत्म कर दू ला बा। जना देख इन क्यों बुला के दासेड़ी बात है तू आज को बढ़िया दे हुंकारा बात है और मैं आज को क्यों तने बात बात आ आपरे नाई जी देवे हुंकारा भाई भाई बढ़िया मैं और सेठ जी सुनावे बात भाई रात में जना देखन बोलियो की नगर रे मायने एक पुरुष और एक पत्नी रेव था भाई 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 ये नगर में नहीं कोई दूसरे नगर में रेव था अबे अबे आज को कहीं के बाद को मेरी पत्नी ही नहीं अबे बाय आज को कहीं के अपने आपने बहुत ही पतिव्रता नार मानती समझती और आपरे पति ने हमेशा कहउ थी भाई के मारे जिसी पतिवर्ता ना रहनी अवे आज तक ये दुनिया रमाई ने कोई है कोई है कोई अभी पूरा परिवार रमाई ने भी दो पति पत्नी हाँ हा। और कोई दूजो तीजो हो कोई नहीं आ एक दिन आज को कहीं यो है भाई आज को सुबह सुबह चार बजे उठ रही सुबह रापोर और आपरे पति ने जगायो अबे जगायो रोन कहीं क्यों लगी कि पति देव अवे आज को मारो पतिवर्ता धर्म है जो को भ्रष्ट एको हो देख क्यों यो क्यों नींद जागी है आज तो आ देख बोली कहीं क्यों ताने के राते सोती ने मने सपनो आयो आई गो और सपना रे माने एक भिक्षा मांगने वास्ते एक भिकारी आयो आई गो और भी भिकारी ने जी टाइम में भिक्षा दे उन्हें गी नहीं उठूरी अरे तो कहीं के गलती में जो को मारी आंगली है जो को भी टच है आज को कहीं के मारे पति वर धर्म माते कहीं के आंच आएगी हाँ, और आज तक आज को मैं पर मर्द ने कभी छुयो को नहीं ए, आती को लगे तो आज को मारी आंगली भी ने टच कर ली ए, ए। तो आ बात सच है तो एक काम करो आप आज को मारी अंगुली काट दो काटो आटा वाली हाँ अंगुली आज को सपना में भी पराया मर्द ने टच क्यों हुई तो क्यों हुई हाँ भाई भाई हाँ ये अंगुली री बहुत बड़ी गलती है गलती होगी काटो अरे आ मैं अंगुली रखूँ आ मारू तो कटे को हाँ आप काटो और आप रहा हाथ हूँ हमारी अंगुली काट दो अरे भाई कथे नहीं काटो तो पच रीस कान मने तो काटनी काटनी है लास्ट में ओ देख कर क्यों बेटी री बात करे के अरे आ तो एक सपना री बात है माँ माया है सपना रे मायने तो कई सपना आवे है ए गड़गड़तरा सपना री बात कोई रियल बात आवे हाँ सच थोड़ी होवे अरे रे माय कोई थारो नहीं तो कोई पतिव्रता धर्म फ्री हो हाँ नहीं हटियो नहीं कोई तू कुलक्ष नहीं भी भाई थारो जो को पतिव्रता धर्म है नहीं अवे मेरे माते कोई आ चाहे कोई नहीं अब जो को थारी अंगुली काटनो कोई काम को नहीं काटा अर बिना फालतू राय हक शक नहीं करना बिल्कुल अब ये जो को इतनी बात की इन बात धनी हट लुगई हट करियो करियो और नो ये जो को वो आपरी लुगई री प्रशंसा करे बा बारी बारी अंधे कन क्यों थारी जेड़ी तो पतिव्रता नार एवे तीन लोग रे मायने में एकड़ी में आटो गालन फिरू नी हेला दे कोनी तो ही मिले कोई नहीं अबे आपरे बढ़िया नावो दोंगो करियो है नित्य कर्म करिया है बा रोज नाला दई ना पत्नी जो को बढ़िया भोजन बना पति ने खिलायो पुरुष हंस हंस मीठी बात करे भाई भाई यार धनी रे आज को पूरी सेवा करे अबे यार धनी रोटी जी में तो कन्ने उबी पंखो हवा गाले ए ए डोले चमर अबे ते क्यों पूछो बाता भाई भाई रावसा क्यों बाता क्यों न तो हजारों हैं ए ए शोभा करे तो आज को कहीं के तन मनो आप रे धनी री सेवा करे करे अबे सेवा करू री यार देख रे क्यों पतिदेव अबे थाने टा है के मैं तो हूं पतिवर्ता नारी नारी हूं मैं तो कहीं के बाजार में जाऊं को नहीं मारे हो कहीं के कपड़ो लायोड़ो बाजार हूं ए जको ओ अबे सिलावणो है जको आपा चला जको बाजार हूं सिलाई लाऊं बा
ओ देख क्यों था कट जरूरत है तो मैं ही सिलाई ला बिल्कुल। अब देख क्यों आई बात मैं मन में सोचू जे मैं आते आलू तो बचे दर्जी जो को मारो नाप ले बड़े टच कर आ बात मैंने सहन वे कोई नहीं आ बे जो को मारो आप रहा तू नाप ले लो बिल्कुल और जान दर्जी को मारे ड्रेस सिवा करवा दी जो आ मन रे मायने राजी हो भाई भाई क्या भाई लुगई मिले बा तो हाथ जलन में एड़ी मिले मिल जो जगो है जो कहीं कपड़ा सिलव नहीं खुद नहीं जावे हाँ। पर पुरुष रो तो ईश्वर से चावे कुन चावे नहीं और अपन ये जो इतनी सेवा करे करे अब वो है जो आप रे बुटू वो ले कपड़ो अबे एन वो दर्जी रे कने गियो है अबे राव साहब अब दर्जी रे कने गियो पण बा जो पेट यार जो चाबिया नहीं अरे बे भी लुगई के नहीं रेगी क्यों गए इतने दिन बा पतिव्रता नारी कदी मांगी कुन भाई भाई आज के नहीं विश्वास है कि भाई अपन लुगई तो अपन माते जीत जान देवे देवे एन जे अपन चाबिया पाची मांगा जना इन मन में कहीं हो चिया हाँ कहीं देखो धनिया जो अपन ने चोर समझे भाई चाबिया मांगी एर आपा तो धनी रे कहना में चला धनी रे मतलब अज्ञा रो पालन करने वाली स्त्री हाँ हाँ नहीं है जो अपन मत विश्वास करे कोई नहीं तो आ इतनी पतिव्रता नारी अपन मत इतो विश्वास करे करियो चाबिया मांगी जी कोई नहीं अब आज को कपड़ो पकड़ाई दियो चाबिया आप रे कन राख ली राख अब अणु आप रे सेठ जी को आडे बाजार उबे बाजार तेलीवाड़ा तंबूवाड़ा मोचीवाड़ा घांचीवाड़ा है गया बाजार भाई भाई मोला आगे आप रे बढ़िया दर्जी बैठा है भाई भाई मशीन लियोड़ी कैंचिया लियोड़ी एर बेटी कैंची चाले फटार फट फड़ फड़ देख रखियो सो मारे ना पहने कपड़ा सीलना है आपने देख क्यों सा कपड़ा सिलना ही मारो काम है कोई काम लाओ जो को कपड़ा सिलना आप भाई अब वो नाप दे रहा और वो कपड़ा रहा बा कटिंग करी भाई अब आप रो कटिंग कर करा रही और लार जो को वो एक्स्ट्रा जो को कपड़ा रही कतरे नहीं हाँ भाई हाथ बैंत परी हो चार अंगल बच्चे नहीं बो की बतो अब वो पूरो ले रो और देख इन क्यों लो सेठ जी है कपड़ा अब आज वो कतरे नहीं अरे आज वो आप ले ओ पाची पाची ले जाओ यार पहला आज वो आप रे घरे रख कर आओ भाई यार अच्छा जित आओ जित मैं कपड़ा सील देवा ओ मन में विचार करियो रे भाई दर्जी का नहीं देख एन क्या वे है क्या भाई दर्जी कपड़ो खाई जा खावे ओ तो अपने सामने कटिंग करी है आ तो आ लारे जीती कीती भी कतरन है बच्ची है हाँ आयो तो राखे कोई नहीं जनाओ देख क्यों भाई एड़ी बात है अबे और अभी कतरन तो मैं कहीं करूं क्या बनावा घर में तक क्या गणे ये गुदरा गणे हे 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 जो कतरन धानका नहीं रहूं दो पड़ी रहने दो ओ देख क्यों आज तक मारो नियम है अबे एक भी टुकड़ो अबे मैं मारा टकटी रहा क्यों कोई नहीं जगरा भी मैं कपड़ा सीढ़ू नहीं अरे तो मारो एक वो नियम बनायो रहा बा जो को कतरन है जो को बाने देऊं मैं हमारे घरे कभी रखू कोई नहीं पहला अगर आप कतरन जड़ तक आप रे घरे नहीं ले जाओ नहीं हाँ। जड़ तक मैं आप रे कपड़ा सिलू कोई नहीं अब वो भी ने घणो समझायो समझावे पाण वो दर्जी है जो इतो ईमानदार निकलियो इतो ईमानदार निकलियो भाई भाई ईमानदारी लाख कियो बन मानियो कोई नहीं लास्ट में तंग आयुरन पाचा कपड़ा पकड़ा दिया भाई दर्जी क्यों सेठ जी आप रहा कपड़ा ले जाओ ले बच्चा मैं आज को कपड़ा सिलू कोई नहीं मन में विचार करियो वाह चलो भाई ये जिद करे ले लो भाई वाह और के का अब वो कपड़ा आप रे हाथ में लियोड़ार घरे जावे और मन में विचार करियो भाई ओ दर्जी तो अपने धनी लुगई हुई ज्यादा ईमानदार निकली हाँ अपनी लुगई जितनी पतिव्रता है अरे बिहार बिया ओ ये जो को ईमानदार दर्जी एड़ो ईमानदार तो आज तक तो नहीं देखियो नहीं मिलियो नहीं कोई सुनियो भाई और नहीं कोई मिले अबे अबे मन रे माय ने भी दर्जी री तारीफ करे ए शोभा और शोभा करता करता राव जी आयो है घरे ए आगे घरे आन देखे तो काग पड़े कुतिया लड़े रे झोंपड़ी झोला का खावे तिजोरिया अगली खुली पड़ी पेटिया अगली खुली पड़ी पड़ी और माय देखे तो एक रुपयो नी गहनो नी गांटो नी होनो नी चांदी नी रकम नी भाव नी सब और वाले क्यों उन्हें मतलब एक खोटी पाई ती भी कोई छोटी को अब आ लुगई है जो आपरा कपड़ा तो लिया कम वाह और जेवर रकमा ली भी ज्यादा हगड़ी
हगड़े ले ली बा तो चा बेर वो गुंचो हाथ आयोड़ो ए वास्ते ब्याह करियो अबे आ तो आप रे कहीं के जी टाइम कपड़ा लेने गया नहीं सिलोने अरे बे टाइम ही आप रे निकलू री अबे और वो जो को दर्जी री दुकान है नी बेरे लार ले पाड़ बैठ घी अबे सेठ जी जो को कहीं के बा कतरन लेर घर आया तो आगे बकी हो कुन की नहीं तो कोई गहनो नहीं कोई गांटो और सेठ जी रे मन में विचार आयो देखो केड़ो पतिव्रता रो ढोंग रचियो अबे और एक सपना री बात सुने के भी अंगुली ला के जको काटनी बात करी कर ली आज जको खुद है जको रवाना है की उगी बे दिन तो कहती के मारी अंगुली अपवित्र है की काटो काटो अबे और इतो पतिव्रता धर्म निभायो अरे अपन इतो केनो मानती अरे आ सब है जो चाल है जो अपने रिपिया अड़पनी अपने लुगई भी की अरे कपड़ा ही किया जेवरी किया नगदी की सब तो चलो है जो पाच अभी दर्जी करने चाला अरे वो दर्जी है जो की ज्यादा ईमानदार बन तो वो जो आप रे कने कतन रखे कौन भाई भाई अपने लुगई इतनी पतिव्रता है ने कुलक्षणा नारी निकल जा तो होन मत हो किन की बेटी गड़बड़ भी गड़बड़ अब वो है जो आप रे बीटे बुटू पाचो आयो है अब जिमी बाजार रे माए ने आर देखे तो नी तो बुटे वो दर्जी हो भाई भाई नी बिरी मसी नी कोई कपड़ा भा भा भा। वो तो एक नाटक रचियोड़ो हो भाई। और अबे मन रे माए ने विचार करियो क्या देखो आ कितनी दुनिया अजीब है, है। जड़े ज्यादा सच्चाई वे और जको हद्दू ज्यादा सच्चाई दिखावे मतलब हद्दू ज्यादा जगर माता आप विश्वास ही नहीं कर सकते बिल्कुल वो आदमी हमेशा धोखो है ये जिसो कोई बेईमान नहीं है अबे और वो जो पूरा बेईमान हम लोग भरियोड़ो पड़ियो हाय पेट में और जको आदमी जाड़ कर ही नहीं अरे चाहे ट्रेन में जाओ होटल में जाओ बस में जाओ बाहर जाओ विदेश जाओ कट ही जाओ तो देख लो जको आप ज्यादा मीठो बोले जको ज्यादा हेल्प करे अरे यार जन देख लो कटी बारे ले जानो इस पैकड़ बोला है बोला सके हो बोला सके बा अपना वाली पत्नी गणो पतिव्रता धर्म रो नाटक करियो निभायो यार वो है जको जित्तो बा पतिव्रता धर्म रो नाटक करियो नी अबे बेवी ज्यादा पाखंडी निकली निकली यार आज जको अपन छोड़ बाग गई यार जको दर्जी है जको कतरन राखनी मंजूर नहीं करियो हे हे बिने तो है जो पूरी पूरी लुगाई ले जावनी कतरनों बिने कोई मातो फोड़ तू जो करनो के हो आपने तो कतरन पकड़ाई को बा अर लुगावड़ीन बोले गयो देखो बेटो हाची कतरन पकड़ी है भाई भाई हाथ में अबे पाछो घरे आयो भी कतरन ने देखे तो कहीं मातो फोड़े करे के एन देखन क्यों हाचो अडंबर रचियो है भाई भाई सेंटर तो आज रे बाद रे मायने ओ जीवन रे मायने निश्चय पक्को है को के जको आदमी ज्यादा अडंबर अच्छे जन देख लेना कोई मोटो चोर है ओ आप रे हदू ज्यादा दिखाओ खरे खरे इन मोटो ठग या बेईमान कोई है कोई नहीं अब राव जी घरे अब मन लागे कौन क्यों लागे क्योंकि लुगाई तुरंत री नाटोड़ी बा रकमा रिबिया हाथ ले गोड़ा सब लेगा अब नहीं तो कोई रोटी भी जिमी नहीं कोई पानी पियो आवे क्यों मुश्किल रात कटी है भाई। और सुबह दिन उगो है और इन्हें मन रे माय ने विचार आयो क्यों बंदा अबे अट रेवनो अबे ठीक को नहीं के करार क्यों अबे अट धंधो कर अपन दुनिया अबे करन दे क्योंकि मोहल्ला रे लोगा ने पत्तो चाली अरे जना कोई पूछ की कर नाटी कई पूछ कोई कई दुख दियो ला अरे कोई कई मारी हला कुटी हला यार कोई कई कंजूसी करी हला अबे यार बापड़ी की रिपे देव तो कोनी चा भी हाथ लटका उड़ो फिर तो शाके शाके अबे जो को कहीं बचीड़ खाई है यार इया लुगाया भाई रेवे कोई नहीं लुगाया राके नी बाने जोर आवे हे जीव जाने यार खर्चो लागे बा खारो पनीर जन घने राजी है वो हाँ पण लार लो खर्चो ही भारी है पड़े भारी तेने कहीं के मुंडा चित्ती बात है दुनिया है जो कोई हावी कई कोई ऊंधी कई कई बात करी एर कोई है जो अपने हंसी उड़ाई कोई अपने मजाक उड़ाई हाँ बात पूछी एर कोई है जो दिलासो भी दे पण दिलासो देव नाला तो कम है कम मिले कई आदमी अड़ा है जकरे कंधा माता आपा सिर रखन रोवा भाई आदमी है जो को मजाक उठावे हजार जान अर के बेटा मैं आप आज बीच बीती आज बीती है तो आज भी कवि लोग क्यों है कि आदमी कितो भी दुखी है अबे वो है जो को आपरी गरीबी है दुख है नहीं अबे दर्द है या गरीब कोई भी बात है नहीं समस्या
बात समस्या दूजा ने नहीं बताओ। बेकार है। हर घर रे मायने लड़ाई झगड़ा वे एतर है दुख वे बिल्कुल। मैं किताब आपने बतावे भाई? भाई नहीं बतावे। आपा खुद अपने घर ही पोल खोला लोगों ने बतावा। ए गलत है। जरा बाने तो लाओ ला दी बाने तो आनंद आई। आशोजन भी कह रही सच बे की कमी रखे कोई नहीं। बे अपनी घर ही बात है जो बस चार गुणी मिला। ए मिर्चा लून एन पचास पड़ोस ने ढेर गनायता तक मैं पहुंचा। ए फोन बात कर रही। हां पूरो रिपोर्टिंग रो कार बे करी बिना समाचार पत्र। ए पत्रकार मन में विचार करियो बाटू हाल नो ठीक है भाई भाई। एन आगे मुलक मराज रो पढ़ियो पूरो परदेश पढ़ियो लाबो एर कटी मजूरी करा नौकरी चाकरी करा और करनो के अब उठे आप रो घूमतो घूमतो है जो दूजे नगर गियो है जाता रिया और सीधो एक राजा रे उठे जायो रो हवे और उठे एक नौकरी री इच्छा प्रकट करी। हां जणा राजा साहब देख रखियो भाई नौकरी थन दे दे मां पक्की पर नौकरी मारका ने थोड़ी केड़ी है। हाँ। क्या मारे अटे गाई के नगर मायने बच्चा चोरी गणा वे। हाँ। महीना में 15 दिनों बेटा 2-4 बच्चा री कोई चोरी कर ले। और मैं घनी कोशिश कर ली घनी प्रयत्न कर लियो बिल्कुल मैं पर आज तक बालका ने कोई चोर नालो मैं पकड़ नहीं सकी बंदो नहीं मिली हो जनो देख रही राजा साहब एड़ी बात है हवे बालका रो चोर तो मैं पकड़ ले तो पकड़ ले जन भाई तारी नौकरी पक्की पक्की है और मुंह मांगी रकम इनाम दियो जाए भाई पगार तो देवा जो को अलग देवा अलग इनाम बड़ा अलग देवा पद बड़ा ऊंचो दे देवा और बढ़ जाई अवार तो थाने सिपाही रो पद देवा बाद रे मायने थाने मोटोड़ो थानेदार रो पद दे देवा बेले हां थानेदार बनाए दे अबे ओ देख रखियो सा मारी एक शर्त है चोर मैं पकड़ू हमें तो मैं मारी इंचा वे भी ने पकड़ू अरे और आप है जो कोई दखल अंदाज नहीं करे अरे और मने है जो को चार आदमी एड़ा चाहिए वाह भाई आप भी अग्यारो पालन नहीं करे खाली मारी ज अग्यारो पालन करे करे मैं कहूँ इन्हें गिरफ्तार कर ले तो बिना गिरफ्तार कर लो और देख राजा की ओर से ठीक है बिल्कुल माने तो कहीं के ओ चोर पकड़ने चोर चाहिए अब राजा है जो को भी टाइम ये आदमी ने कहीं का आप रो नौकरी रख ली और चार है जो तगड़ा मानी जोड़ा सैनिक भाई भाई और चौका देख हाँ जोर का बढ़िया हाथ पुटरा लंबा लंबा का डील डोल चौका बॉडी कार्ड है बुकड़ फाटे कमांडो हाँ मैन भाई भाई ए चार कमांडो आप हाथ रख लिया फौजी अबे राजा रा जो सिपाही है नी हाँ अबे बन अबे बाने रा क्या नड़नु है राजगुरु री आ सवारी निकले ए राजगुरु रे बढ़िया कपड़ा पेरुड़ा बन धुने ही ला रहा था ना हाँ तगड़ा अबे जीवी राजगुरु री बात सवारी आई है गाजा बाजा रे साथ भाई भाई निकले और आज सवारी दे करो आदमी मन में विचार करियो भाई के ओ राजा रो गुरु है अबे ए राजा सहित सभी लोग इरो सम्मान करे करे पूरा भाई अबे सबाने टा है के राजगुरु है हे मेरे बादरे मायनो इतो आडंबर क्यों दिखावे हो हां नाटक आ सकता हूँ ज्यादा है जो को नाटक क्यों कर हे खेल तो अधिक आडंबर दिखावे अबे अर मने लागे क्या माली बेटी लुगावड़ी जो ज्यादा नाटक करियो हां यूं रियो और वो दर्जी है जो को ज्यादा करियो हां घर जा हां जण मन लागे है के ओ पूरो और पूरो बेईमान होई है ज्यादा अबे जो को कहीं के बिना पूरो विश्वास है को वाह अरे क्यों बेटा बालक चोर है जो कोई है ओई है बाकी चोरी बिना इतना आनंद आवे को हाँ ए जो को सोनारे तार कपड़ा पहनना इतना खर्चा करना भाई भाई मात है पा जन वो विचार करू रो अवे और बेटे मान सिपाही ने आदेश दियो है ऑर्डर टेक क्यों यार देख रही क्यों बालक चोर है हे पकड़ो आना जना वे सिपाही जो को बिना गिरफ्तार कर लियो अब ये टाइम राजा ने समाचार मिलिया भाई भाई जना राजा है जो को आन गुरु ने प्रणाम करियो करे और राजा रे कहीं के बिना आदमी पहला बात युड़ी युड़ी कॉल हाँ क्यों भाई चढ़ तक मैं नहीं क्यों नहीं अवे मारी आज्ञा माननी पड़ो अवे और मैं जग ने पकड़ू भी ने पांचों भी ने सबूत भी दें बिल्कुल और ए चार सैनिक जो मारी आज्ञा पालन करे पालन करेला और आप जब तक पूरी छानबीन जांच नहीं करो अवे जड़ तक है जो को बिना दोषी ठहरा वाला वाह अब राजा मन में विचार करियो भाई भाई क्या भाई शरत रे मुताबिक तो वो अपन पहली बात तो गुरु है हे तो अपन है जो को पहला जड़ तक गुरु चोर साबित नहीं है अबे जड़ तक तो गुरु ही है गुरु तो प्रणाम तो अपन करना ही है जरूरी है चढ़ा राजा है जो को मैंने गुरु समझ प्रणाम करिया करिया बात है जो को क्यों भाई
अगर गुरु अपना चोर साबित नहीं हुए अबे तो भी आदमी ने फांसी दे देवा और गुरु ने आजाद कर देवा। बिल्कुल। तो दो ही देखिन आपने पहला पूरी जांच करनी चाहिए करो। जना राजा जो कभी गरूरी सवारी ने बुट घरे ले को भाई भाई और भी आदमी देख के भाई क्या चोर है हो के चलो 8-10 आदमी सिपाही मारा थे आश्रम में भाई। अब आश्रम में गया तो कई टावर बुटे गाड़ी उड़ा मिलिया 2-4 टाबर जिंदा मिलिया जो को कहीं मानू मोटा तस्कर और आदमी रे जो को शरीर जो भी अंग है बाणी तस्करी करता और कई जो को टाबरा ने गुलाम बना दूजा देश में राजा भेजता नौकर चाकर राखता भेजता बुटे भेजता भाई भाई एन महात्मा जी बा गुरु महाराज री पूरी चोरी पकड़ी एन बे जो भी जिंदा टाबर राजो को बरामद है गया। ओ ये जो कहीं कर दो आपरी सवारी गाजा बाजू काटता नहीं जने कोई ने सके तो कोई टाबर हाथ आउता अरे एन कोई रथ रे माए ने छाने चुर के बैठ जाता मावे शौकीन घने ही होता टाबर अनो जो हाथ आप 2-4 आदमी जो को राख दन चला चाटी हो रख हाथे माने क्योड़ राख तो जो को बे माते कपड़ो दे देता ए नेड़ी भयो सी दवाई मिलावता हवे भी कपड़ा रे माने सुगंधु टाबर भयो सजावता अबे और ले जाए रोन अंडरग्राउंड कर देवता तो अबे दुनिया है जो को दूजा माते तो घणो शक करे करे पण राजगुरु माते बताओ कौन शक करे करे जनो देख क्यों बे राजगुरु चोर निकलिया भाई भाई वो आदमी आप अनुभव पकड़ियो पकड़ियो भी मैं भितोड़ी अगली हाँ क्या ज्यादा अडंबर रचे है हाँ भाई चोर मान रचनी जरूरत ही कटा बा राजा जगरो मान सम्मान करे अबे राजा जगने गुरु मान लियो भाई मैंने आज इतनी शान सो को तुकट जरूरत थी इतो दिखाओ करने जरूरत है कोई नहीं जना गुरुदेव राव जी जादो दिखाओ करियो नहीं भाई भाई जना गुरुदेव है जो को पकड़ गया एन गुरुदेव ने लिजार पकड़ जेल में दे दिया भाई एन राजा जो को साथ जा जो को फांसी री सुनाई दीवी एन गुरु महाराज रे पैंकड़ बोल गया और भी आदमी रो पद बड़ मिल गो बढ़िया मोटो राजा ने बाला ली घटना रो मालूम चालियो है पढ़ियो एन बुटे बढ़िया आप रे देख लड़की भाई और इरो आप रो पाछो दोबारा ब्याह कर दियो गीवी जिकी तो गीवी जातिरी एन पाछो नयो ब्याह वे गयो क्यों ब्याह भी नहीं धक्के को बिल्कुल रोटियां बनाने वाले तो चाहिए मिले कटू अब आप रे भी ने दूजो ब्याह कर लियो भाई भाई बढ़िया कमरा ले लिया राजा दे दिया ताजा और आप रिया किया ठाट करिया आ कहानी अति संपूर्ण है।